समाजवादी कीलक नेता राम गोपाल यादव नुंची तनकु प्राणहानि उंदन्नारु आ पार्टी बहिष्कृत एंपी अमर सिंग तननु चंपुतामनि राम गोपाल यादव ओपेन गाने वार्निंग इच्चारन्नारु तानु एप्पटिकी मुलायम वादिनैनन्न अमर सिंग मुलायम मात्रं अखिलेश वादिगा मारिपोयारन्नारु इप्पुडु तानु स्वतंत्रुडिनन्न अमर तन स्वतंत्रतनु पूर्तिगा सद्विनियोगं चेसुकुंटानन्नारु मैं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, हटाया किसको गया अध्यक्ष पद से? पिता मुलायम सिंह को हटाया किसने अध्यक्ष पद से? पिता को बेटे अखिलेश यादव ने। इसमें अमर सिंह कहां से आ गए? अगर मुलायम सिंह कह दें कि मैं खलनायक हूं मैं मान लूंगा, अगर मुलायम सिंह यह कह दें कि मैंने कभी भी जीवन में उनके पुत्र अखिलेश यादव के विरुद्ध कोई बात कही है तो मैं मान लूंगा। अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी कह दें कि जब भी मेरी उनसे बात हुई है मैंने अखिलेश यादव की प्रशंसा के अलावा कुछ कहा है तो मैं मान लूंगा, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि मैं अखिलेश यादव से आवेदन दे रहा हूं कि वह मेरा निष्कासन वापस कर लें। उन्होंने बड़ी कृपा की है, मुझे छुट्टा स्थान बना दिया है। निष्कासन देने के बाद मैं छुट्टा स्थान हूं, जहां हरा देखूंगा वहीं मुंह मारूंगा। मुझे उनके निष्कासन के वापसी की कोई प्रतीक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने जो निष्कासन विशेष अधिवेशन, क्योंकि वह न तो अपने पिता को वापस लेंगे, न चाचा को वापस लेंगे, न अंकल को वापस लेंगे। वापस लेना होता तो विशेष अधिवेशन का प्रयोजन करके निकालते ही क्यों। मुलायम सिंह यादव ने मुझे 24 साल तक संसदीय जीवन दिया है। मैं अपने आप को मुलायमवादी कहता था, अब मुलायम सिंह जी ने अपने वाद को समाप्त करके अपने पुत्र के आगे समर्पण करके वो अखिलेशवादी हो गए। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो अब मुलायम सिंह जी ने भी मुझे मुक्त कर दिया। जब तक मुलायम सिंह जी खड़े थे मैं उनके साथ खड़ा था, अब जब मुलायम सिंह जी स्वयं ही नहीं है तो मैं स्वतंत्र हूं। अच्छा। और इस स्वतंत्रता का मैं पूरा का पूरा सदुपयोग करूंगा। हमें गोली मरवा देंगे, हत्या करवा देंगे, या मेरा जीवन नष्ट कर देंगे। मैं अध्यक्ष हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, क्या हूं? और टारगेट पर मैं हूं। आपने आप अपने आर्काइव से राम गोपाल की क्लिपिंग निकाली है कि अमर सिंह उत्तर प्रदेश से सुरक्षित नहीं जाएंगे। हाँ, मैं हूं राम गोपाल के टारगेट पर। उन्होंने जितना बोला है मैं उतना ही उद्धृत कर रहा हूं, न एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कम। उन्होंने दो बातें मेरे बारे में कही कि अमर सिंह उत्तर प्रदेश से सुरक्षित वापस नहीं जाएंगे। एक, जब इतना बड़ा नेता जो सत्ताधारी दल जिसके कब्जे में है, जेब में है, वो खुलेआम मेरी हत्या की चुनौती दे रहा है कि सुरक्षित नहीं जाएंगे, इसका तात्पर्य क्या है? और उसके बाद दूसरी बात, उन्होंने कहा भविष्य तलाशो। तो राम गोपाल जी के इस परिपक्व राजनीतिक मशवरे के लिए उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।